सदन के बीच में विगत 5 साल कार्यकाल मेरा रहा है। निश्चित रूप में आशा और विश्वास है कि जनता जो है मैं पुनः जो है कर्म के आधार पर जो है 24 जिला परिषद क्षेत्र में पुनः चुनेगी। मैं निरंतर सेवा में लगा रहूँगा और निश्चित मैं अपने कर्म पर अडिग रहने वाला व्यक्ति हूँ। और मेरा एक आग्रह होगा कि चूँकि नामांकन आज हुआ है और आज के बाद जन आशीर्वाद यात्रा पहले निकला हुआ था, अब जो मैं पुनः सिंबल लेके वोट मांगने जाऊँगा, जनता से एक अपील है कि चूँकि समाज के अंदर सभी लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने का अधिकार है, लेकिन एक आग्रह जरूर करूँगा कि जब भी किसी को चुना जाए वह कार्यकर्ता हो, सामाजिक व्यक्ति हो, जिसका व्यक्तित्व ही उसकी सबसे बड़ी आईना होता है। हम समझते हैं कि हम जो है 5 साल जो सेवा किए हैं, निश्चित रूप में यह विश्वास है कि जनता मुझे पुनः वापस। इसके पहले आपने दूसरे प्रत्याशी थे, अभी इस बार दूसरे प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? जी, उस वक्त मेरी शादी नहीं हुई थी तो जो मेरी भाभी थी वह जो है दीपिका देवी थी, और इस बार शादी होने के बाद निश्चित रूप में उनके आशीर्वाद और सहयोग से इस बार कुमारी प्रियंका रावत के को आपके बीच रखा हूँ। जनता ने इस बार मौका दिया तो क्या अगला आपका कार्य होगा? निश्चित विगत 5 साल के कार्यकाल जो रहा है वह तो जो है स्वर्णिक काल रहा है। 32 जिला परिषद है हमारा, 24 जिला परिषद क्षेत्र जो रहा है विकास के मामले में और बाकी आधारित जो भी संरचना है सामाजिक कार्य में, वह निश्चित रूप में हम आगे बढ़ चढ़ के काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज आपके नॉमिनेशन में आज जनसैलाब भी देखने को मिल रहा है, इतना साफ जनसैलाब नहीं है, यह जो है एक सामाजिक लोगों का आशीर्वाद है। जिन लोगों की हमने सेवा 5 साल किया है वह सारे लोग आशीर्वाद देने के लिए हैं। जनसैलाब में हमारी रुचि नहीं रहती है, हमारी रुचि आशीर्वाद में रहता है और इसी आशा विश्वास के साथ हम जो है क्षेत्र में हैं भी, क्योंकि हम जो ऐसे व्यक्ति हैं जो जन आशीर्वाद के धनी व्यक्ति हैं। हमारे पास धन बल या कुछ नहीं है, सर्वविदित सारे लोग इस बात को जानते हैं।